नमस्कार, मैं विनय पत्रालय भारत भारती का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत भारती राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित संस्था है। एक छोटी सी कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत भारती क्या है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गांव में रहता था, छोटा भाई खेत में एक छोटा सा मकान बना करके रहता था। बड़ा भाई शादीशुदा था, उसके चार लड़के थे, संपन्न परिवार था। छोटे भाई ने शादी नहीं की थी और करने का इरादा भी नहीं था। खेती की जो उपज आती थी दोनों भाई आधा आधा बांट लेते थे। एक दिन छोटे भाई के मन में विचार आया कि ये आधा आधा बांट लेते हैं ये तो ठीक नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, भाई के परिवार में चार बच्चे हैं तो उसकी आवश्यकता ज्यादा है। मगर वो स्वाभिमानी है, अगर उसके घर में अनाज की दो बोरियां लेकर के जाऊंगा वो मना कर देगा। तो बड़े प्यार से रात के अंधेरे में उसने दो बोरियां अपने कंधे पर लाद दी और बिना बड़े भाई के जानकारी के जाकर के उसके गोडाउन में रख दी। उसी समय बड़े भाई के मन में भी विचार चमका कि मुझे तो बुढ़ापे में सहारा देने वाले मेरे चार लड़के हैं, लेकिन छोटे ने तो शादी नहीं की, उसका तो कोई है नहीं, तो अपने बुढ़ापे का बोझ उसको स्वयं उठाना है। मगर मैं उसको दो बोरी ज्यादा दूंगा तो वो नहीं लेगा। तो बड़े भाई ने भी अंधेरे में रात के दो बोरी अपने कंधे पर लाद दी और छोटे भाई के गोडाउन में जाकर के चुपचाप रख दी। अब ये सिलसिला चलते रहा, तीन चार साल चलते रहा। दोनों जब अनाज का विभाजन हो जाता, रात को दो दो बोरियां एक दूसरे के गोडाउन में चुपचाप रख के आ जाते। एक साल ऐसी घटना हुई कि दोनों एक ही रात को निकले, बीच रास्ते में एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे को देख करके पहले तो संकोच हुआ, फिर हर्ष हुआ, फिर बोरियां बाजू में पटक दी और एक दूसरे को सीने से लगा दिया। कुछ साल बाद जब गांव के लोगों ने सोचा कि गांव का मंदिर बनाना है, कौन सी जगह पर वो मंदिर बनाना चाहिए, तो एक ने सुझाव दिया कि जहां ये दो भाई एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे के बारे में प्यार, एक दूसरे की चिंता ये करने वाला जो स्थान है वहीं पर मंदिर बनाना चाहिए। तो गांव का मंदिर वहीं बना। मित्रों, अपने भारत देश में हर प्रांत में एक कम्युनिटी बड़ा भाई है और बाकी सारे भाषा भाषी लोग छोटे भाई है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषी बड़ा भाई है, गुजराती बंगाली कन्नड़िका ये छोटे भाई है, कर्नाटक में कन्नड़ बड़ा भाई है और नेपाली सिंधी पंजाबी छोटे भाई है, बंगाल में बंगला भाषी बड़े भाई है और उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान के लोग छोटे भाई है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के बारे में सम्मान रखना चाहिए और बड़े भाई ने छोटे भाई के बारे में मन में स्नेह रखना चाहिए। लेकिन ये छोटा भाई बड़ा भाई का विचार मन में तब दृढ़ होगा ना जब भारत को माता मान करके उसकी आरती करेंगे। तो भारत भारती यही चाहती है कि हर बड़े शहर में रहने वाले अन्यान्य भाषा भाषी लोग एकत्र होकर के भारत माता की आरती उतारे और हम सब लोग भारत माता की संतति है ये विचार मन में दृढ़ करें। बस यही भारत भारती है। नमस्कार।